एक्सरसाइज ट्वेंटी पॉइंट वन पार्ट नंबर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ के दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वानिटिक इक्वेशन हैव सेम सोल्यूशन और डिफरेंट रियल सोल्यूशन हिंट गि ए बुक में हिंट डे के फॉर सेम सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा को जीरो के बराबर रखेंगे फॉर रियल डिफरेंट सोल्यूशन डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो तो सबसे पहले डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा बराबर है बी स्क्वायर माइनस डेल्टा बराबर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशंट एक्स स्क्वायर का कोफिशियन वन है और बी की वैल्यू एक्स का कोफिशंट एक्स का कोफिशंट माइनस थ्री है सी का सी की वैल्यू बगैर एक्स वाला सी की वैल्यू यहाँ पर बगैर एक्स में के है फॉर सेम सोल्यूशन सेम सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे डेल्टा को ज़ीरो रखेंगे तो डेल्टा की जगह पर जीरो बी की जगह पर माइनस थ्री फोर फॉर्मूले का ए की जगह पर क्या रखेंगे वन सी की जगह पर के स्क्वायर की वजह से माइनस की साइन ख़त्म थ्री का स्क्वायर नाइन होगा फोर वन द फोर फोर को के से मल्टीप्लाई करें फोर के होगा फोर के माइनस के हैं। शिफ्ट होने के बाद प्लस के फोर मल्टीप्लाई में है शिफ्ट करें तो डिवाइड यह है के इक्वल्स टू नाइन अपान फोर इसी तरह हम लिखेंगे फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो बी स्क्वायर की जगह पर माइनस थ्री का स्क्वायर फोर फॉर्मूले का ए की जगह पर ए की वैल्यू वन रखेंगे और सी की जगह पर सी की वैल्यू के और ग्रेटर देन ज़ीरो थ्री का स्क्वायर नाइन होगा फोर को के से मल्टीप्लाई करें फोर के होगा ग्रेटर देन ज़ीरो फोर के माइनस के हैं शिफ्ट होने के बाद प्लस के फोर मल्टीप्लाई कर रहा है शिफ्ट करें तो क्या करेगा डिवाइड करेगा अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाइन अपन फोर के से बड़ा है जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ एग्जाम्पल के जरिए कि फाइव थ्री से बड़ा है तो दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे थ्री फाइव से छोटा है इसी तरह नाइन अपन फोर के से बड़ा है तो के नाइन अपान फोर से क्या होगा छोटा होगा यह है डिफ्रेंट रियल सोल्यूशन का आंसर और यह है सेम सोल्यूशन का आंसर इसी पार्ट का दूसरा सवाल है बल्कि तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर में फोर एक्स सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज करें एक्स स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली वैल्यू एक्स वाली वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ आने के बाद नेगेटिव प्लस के बराबर में ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक्स स्क्वायर का कोफिशंट ए की वैल्यू है और एक्स का कोफिशंट बी की वैल्यू और विदाउट एक्स वाला सी की वैल्यू और फॉर रियल सॉरी फॉर सेम सल्यूशन के लिए डेल्टा को क्या रखेंगे ज़ीरो डेल्टा की जगह पर ज़ीरो रखें बी स्क्वायर बी की जगह पर माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर फॉर्मूले का ए की जगह पर वन और सी की जगह पर के स्क्वायर की वजह से माइनस की साइन ख़त्म फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन फोर वन द फोर फोर को के से मल्टीप्लाई करें फोर के होगा फोर के माइनस के हैं शिफ्ट होने के बाद प्लस के फोर मल्टीप्लाई में है शिफ्ट करें तो डिवाइड करेगा फोर की टेबल में सिक्सटीन आता है फोर टाइम के बराबर फोर अब हम कहेंगे फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो बी स्क्वायर की जगह पर माइनस फोर का स्क्वायर फोर फॉर्मूले का ए की जगह पर वन सी की जगह पर के ग्रेटर देन ज़ीरो स्क्वायर की वजह से माइनस की साइन ख़त्म फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन फोर वन द फोर फोर को के से मल्टीप्लाई करें फोर के ग्रेटर देन ज़ीरो फोर के माइनस के हैं शिफ्ट होने के बाद प्लस के होंगे फोर मल्टीप्लाई कर रहा है शिफ्ट करें तो डिवाइड करेगा फोर की टेबल में सिक्सटीन आता है फोर टाइम फोर इज ग्रेटर देन के फोर के से बड़ा है तो हम कहेंगे के फोर से छोटा है लेस है यह फोर सेम सोल्यूशन और यह फोर डिफरेंट सोल्यूशन का आंसर एक्सरसाइज ट्वेंटी पॉइंट वन पार्ट नंबर टू का चौथा सवाल के माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू बराबर में जीरो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक्स स्क्वायर की साइड वाला कोफिशन ए की वैल्यू है K 1. और X के माइनस वन और एक्स के कोफिशंट साइड वाला नंबर बी की वैल्यू है विदाउट एक्स वाला सी की वैल्यू है और फॉर सेम सल्यूशन डेल्टा को ज़ीरो के बराबर रखेंगे डेल्टा की जगह पर ज़ीरो b की जगह पर माइनस फोर का स्क्वायर फोर फॉर्मूले का ए की जगह पर ए की वैल्यू रखेंगे के माइनस वन और सी की जगह पर सी की वैल्यू टू स्क्वायर की वजह से माइनस की साइन ख़त्म फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन फोर को टू से मल्टीप्लाई करें एट और के माइनस वन सेम ज़ीरो सिक्सटीन सेम रहेगा एट को के से मल्टीप्लाई करें एट के होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होगा एट वंद सिक्सटीन और एट को प्लस करें ट्वेंटी फोर होंगे माइनस एट के एट के माइनस के हैं शिफ्ट होने के बाद प्लस के एट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है शिफ्ट करें तो डिवाइड एट की टेबल में ट्वेंटी फोर आता है थ्री टाइम के बराबर थ्री अब हम लिखेंगे फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो तो यही सेम वैल्यूज़ होंगी माइनस फोर बी की जगह पर फोर फॉर्मूले का ए की जगह पर क्या रखेंगे के माइनस वन सी की जगह पर टू अकॉर्डिंग टू कंडीशन डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो स्क्वायर की वजह से माइनस की साइन ख़त्म सिक्सटीन हो गए फोर को टू से मल्टीप्लाई करें एट ब्रैकेट में के माइनस वन सेम ग्रेटर देन ज़ीरो सेम सिक्सटीन एट को के से मल्टीप्लाई करें एट के होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होगा एट वन द एट ग्रेटर देन ज़ीरो सिक्सटीन और एट को प्लस करें ट्वेंटी फ़ोर माइनस एट के ग्रेटर देन जीरो एट के माइनस के हैं शिफ्ट होने के बाद प्लस के हो जाएंगे ये एट मल्टीप्लाई कर रहा है शिफ्ट करें तो डिवाइड करेगा एट की टेबल में ट्वेंटी फ़ोर आता है थ्री टाइम थ्री इज़ ग्रेटर देन के तो हम कहेंगे के इज़ लेस देन थ्री इसी पार्ट का एक और सवाल है k माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस के प्लस टू सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें k माइनस टू एक्स स्क्वायर ये फोर एक्स प्लस के हैं इस तरफ आने के बाद माइनस के और ये दोनों माइनस के हैं इस तरफ सॉरी प्लस के हैं इस तरफ आने के बाद माइनस के बराबर में ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला d बराबर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक्स स्क्वायर का कोफ़िशंट a की वैल्यू ए की वैल्यू है के माइनस टू और एक्स का कोफिशन बी की वैल्यू एक्स का कोफिशन है माइनस फोर और सी का यानी बगैर एक्स वाला सी की वैल्यू बगैर एक्स वाला क्या है माइनस के और माइनस टू फॉर सेम सल्यूशन डेल्टा को ज़ीरो के बराबर रखें डेल्टा या डी को ज़ीरो के बराबर रखें डी की जगह पर ज़ीरो बी की जगह पर बी की वैल्यू माइनस फोर फोर फॉर्मूले का ए की जगह पर के माइनस टू और सी की जगह पर माइनस के माइनस टू स्क्वायर की वजह से माइनस की साइन ख़त्म फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन माइनस फोर सेम रहेगा के को माइनस के से मल्टीप्लाई करें माइनस के स्क्वायर होगा के को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें माइनस टू के होगा माइनस इंटू माइनस प्लस टू को के से मल्टीप्लाई करें टू के माइनस इंटू माइनस प्लस टू टू द फोर होगा टू के माइनस के टू पे के प्लस के कैंसिल होंगे जीरो सेम रहेगा सिक्सटीन सेम रहेगा फोर माइनस का है के स्क्वायर माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस होगा फोर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें फोर के स्क्वायर होगा माइनस इंटू प्लस माइनस फोर को सिक्स फोर से मल्टीप्लाई करें सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस के सिक्सटीन प्लस के कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा जीरो बराबर में फ़ोर के स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई कर रहा है शिफ्ट करें तो डिवाइड करेगा किसको डिवाइड करेगा जीरो को जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर अगेन जीरो आएगा स्क्वायर को हटाने के लिए कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल के बचेगा और जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा के इक्वल्स टू जीरो अब इसी में हम कहेंगे फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस डी ग्रेटर देन जीरो सेम वैल्यूज माइनस फोर का स्क्वायर इसी सेम टू सेम वैल्यूज रखेंगे माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर फॉर्मूले का बी की ए की सी की सॉरी ए की जगह पर के माइनस टू और सी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस के माइनस टू और ग्रेटर देन ज़ीरो स्क्वायर की वजह से माइनस की साइन ख़त्म फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होगा माइनस फोर सेम रहेगा के को माइनस के से मल्टीप्लाई करें माइनस के स्क्वायर होगा के को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें माइनस टू के होगा माइनस इंटू माइनस प्लस टू को के से मल्टीप्लाई करें टू के माइनस इंटू माइनस प्लस टू टू द फोर ग्रेटर देन ज़ीरो टू के टू के से कैंसिल होगा बाकी बचेंगे फोर और के स्क्वायर माइनस का और प्लस के फोर ग्रेटर देन जीरो 16 सेम रहेगा फोर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें फोर के स्क्वायर होगा माइनस इंटू प्लस माइनस फोर को फोर से मल्टीप्लाई करें सिक्सटीन ग्रेटर देन ज़ीरो सिक्सटीन में से सिक्सटीन माइनस करें बाकी जीरो बचेगा ग्रेटर देन ज़ीरो फोर मल्टीप्लाई कर रहा है शिफ्ट करें तो डिवाइड ज़ीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे जीरो आएगा स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल के ग्रेटर देन ज़ीरो